अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान सादिक और आप देख रहे हैं सैनरी टीवी। दोस्तों, आज ये सैमसंग का सेट है 32 इंच का, तो ये स्टैंड बाई मोड में है, ठीक है। तो इसकी स्टैंड बाई जो है वो ओपन नहीं हो रही, ठीक है। ये इसके बटन लगे हुए हैं, यहाँ पे टच बटन है, तो मैं इसको प्रेस करता हूँ, लेकिन इसकी स्टैंड बाई जो है वो ओपन नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह रहता है, इसमें प्रॉब्लम जो फॉल्ट जो है स्टैंड बाई का फॉल्ट है, क्योंकि स्टैंड बाई इसकी ओपन नहीं होती। तो कस्टमर कह रहा था कि इसमें स्टैंड बाई ओपन होती है तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जाके स्टैंड बाई ओपन होती है, ठीक है। अगर स्टैंड बाई पहले तो स्टैंड बाई ओपन ही नहीं हो रही, ठीक है। जब हम इसको लगाएंगे तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद जाके स्टैंड बाई ओपन होगी। तो ये फॉल्ट सम टाइम ऐसा पावर सप्लाई में फॉल्ट होता है, कैपेसिटर का फॉल्ट हो सकता है। तो ये स्टैंड बाई मोड का जो कंडीशन वो बता रहे हैं कि ये 1-1.5 घंटे के बाद जाके इसकी स्टैंड बाई ओपन होती है। तो चलो इसको रिमूव कर लेते हैं, रिमूव करके इसको देखते हैं कहाँ इसमें फॉल्ट कहाँ पे है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बैक कवर को रिमूव कर लिया। ये इसका पावर सप्लाई बोर्ड है, तो ये इसका मदर बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला काम है वो हमें देखेंगे, यहाँ पे वोल्ट हमें कितने मिल रहे हैं, ठीक है। इस जे जो चेक है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कितने कितने वोल्ट मिलने चाहिए, ठीक है। पहला जो है ऑन ऑफ़ के लिए पावर ऑन ऑफ, इसके अलावा 5 वोल्ट हैं, फिर ग्राउंड है, फिर 13 वोल्ट मिलेंगे, फिर ग्राउंड, इसके अलावा फिर 5.3, फिर ग्राउंड है, फिर दो जो है 13 वोल्ट के, 11 और 10। इसके अलावा फिर ऑन ऑफ़ के लिए, ठीक है, स्विचिंग के लिए, ये जो बैक लाइट की ऑन ऑफ, इसके अलावा फिर ग्राउंड मिलेगी, फिर 5 वोल्ट मिलेंगे, फिर 2 ग्राउंड है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कुछ हमें कितने कितने वोल्ट चाहिए। हम सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे, ठीक है। अगर तो हमें वोल्ट मिल रहे हैं तो फिर सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हम पावर सप्लाई में ये छोटे कैपेसिटर होते हैं ये चेंज करेंगे, ठीक है। पहले बड़े कैपेसिटर आप देख लें, यहाँ पे आपको अगर ख़राब नज़र आता है तो ठीक है। जो इस तरह की कंडीशन होती है वो अमूमन पावर सप्लाई में छोटे कैपेसिटर में फॉल्ट होता है। अगर वोल्ट मिल रहे हैं तो हमारा जो स्टैंड बाई है वो ओपन नहीं होती, तकरीबन 1-2 घंटे बाद जाके स्टैंड बाई ओपन होती है। तो वो फॉल्ट जो होता है वो पावर सप्लाई के छोटे कैपेसिटर का फॉल्ट होता है, ठीक है। हाँ, कितने भी कैपेसिटर हों, आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो ऑन ऑफ की स्विचिंग के लिए ये जो आप ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है, ब्लैक ब्लू कलर, ये ऑन ऑफ के लिए, ठीक है। तो आप हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पर जाएगा, ठीक है। तो ये आता है यहाँ पे, जहाँ पे भी आएगा स्विचिंग के लिए वहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। ये एक कैपेसिटर है, एक लगा हुआ, ये 47UF 50 वोल्ट का है। इसके अलावा एक ये का है 47 50 का, इसके अलावा एक ये ऐड किया गया, ठीक है। तो ये इसमें पावर सप्लाई में टोटली 3 कैपेसिटर हैं छोटे, मेन को छोड़ के 3 कैपेसिटर छोटे लगे हुए हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इन 2 कैपेसिटर को रिमूव करेंगे, ये रिमूव करेंगे, यानी कि इनकी जगह पे नए ऐड करेंगे। ये 47UF 50 वोल्ट के कैपेसिटर हैं, इन दोनों को रिमूव कर लेंगे, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर है। ये फॉल्ट उस वक्त है जब आपका सेट तकरीबन कुछ देर बाद जाके स्टैंड बाई इसकी ओपन होती है, मसलन 1/2 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बाद अगर आपकी स्टैंड बाई ओपन होती है, तो वो फॉल्ट पावर सप्लाई के कैपेसिटर का होता है। हमेशा ये याद रखें, जो स्टैंड बाई ओपन ही नहीं होती उसका तो फॉल्ट अलग है, वो मदरबोर्ड में भी फॉल्ट हो सकता है, वो इसमें भी पावर में भी फॉल्ट हो सकता है। लेकिन जो जब स्टैंड बाई ओपन होती है तकरीबन 1-2 घंटे बाद जाके सेट को आप ऑन कर दें, लेकिन उसकी स्टैंड बाई ओपन नहीं होती, तो वो 1-2 घंटे बाद जाके अगर स्टैंड बाई उसकी ओपन होती है, तो वो फॉल्ट इस कैपेसिटर को होता है। पावर सप्लाई में जितने भी छोटे कैपेसिटर हों प्राइमरी साइड में, ठीक है, सेकेंडरी में, प्राइमरी में जितने भी छोटे कैपेसिटर हों आप उनको चेंज कर दें, तो आप इस तरह का जो फॉल्ट है वो अक्सर जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम इन कैपेसिटर को रिमूव करेंगे। सबसे पहले हम 2 कैपेसिटर जो मेन है, ये तो हो गया, ये बाद में देखेंगे, पर सबसे पहले हम 2 कैपेसिटर, ये जो 2 हैं ये
इनको चेंज करेंगे। अगर इनको चेंज करने से हमारा मसला हल होगा तो ठीक है, फिर नहीं तो तीसरा भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इनको चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे हमारा प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएगा। तो जी मैंने अभी मिस्टर सेट को, सबसे पहले हम ये कैपेसिटर रिमूव करेंगे। इसमें कैपेसिटर रिमूव करके ये छोटे कैपेसिटर पावर सप्लाई में ये रिमूव कर देंगे। ठीक है, ये दोनों मैंने रिमूव कर दिए। ठीक है, ये दोनों जो हैं 4750 के हैं। ठीक है, ये भी 4750। अब मैं इसकी जगह पे ये मैं ऐड करने लगा हूँ ये। ठीक है, सबसे पहले मैं ये दो बस इसके ऐड दो रिमूव किए, ये दो चेंज करके देख लेते हैं। अगर हमारा मसला प्रॉब्लम ठीक हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो वो तीसरा भी करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मैं इसको ऐड करता हूँ। अब हम इसको पावर देंगे। ठीक है, ये दो ये रिमूव कर दिए मैंने। ठीक है, ये 4750 वोल्ट के दोनों थे, ये पावर सप्लाई में मैंने ये। तो इसके बाद अगर फ़र्ज़ करें अगर आप ये सप्लाई के कैपेसिटर चेंज कर देते हैं छोटे, तो फिर भी आपका मसला जो आप स्टैंड बाई ओपन नहीं हो रही, तो आप ये कैपेसिटर चेंज जैक के पास लगे होते हैं कैपेसिटर, ये भी चेंज करके देख लें। ठीक है, तीन चार कैपेसिटर यहाँ पर होंगे वो भी चेंज कर लें। पहले ये सप्लाई वाले चेंज करें तीन कैपेसिटर, 1 2 3, तो उसके बाद अगर नई मसला हल होता तो फिर आप ये तीन चार कैपेसिटर जो जैक के आसपास होते हैं, ये जैक लगा होता है जो वोल्टेज मदरबोर्ड को जाते हैं, फिर वापस मदरबोर्ड स्टैंड बाई ओपन कराता है, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर लगे थे आप वो भी चेंज कर दें, तो इंशाल्लाह आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो चलो मैं इसको अभी पावर देने लगा हूँ। पावर दे के मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने इसको पावर दे दिया। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं इसको खड़ा करने लगा, तो आप देख सकते हैं बैक लाइट इसकी ऑन हो चुकी है। सेट हमारा इस वक्त ऑन है। ठीक है, सेट ओके हो चुका है। ठीक है, स्टैंड बाई इसकी ओपे ओके है। अब तो फॉल्ट इसका बस कैपेसिटर का फॉल्ट था, जो अगर फ़र्ज़ करें आपका सेट जो है वो स्टैंड बाई मोड में होता है
आधे घंटे बाद या 2 घंटे बाद जाके आना होता है, तो फिर ये कैपेसिटर का मस्ट कैपेसिटर का फॉल्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा कैपेसिटर का फॉल्ट उस वक्त भी आता है जब फ़र्ज़ करें अगर आप आपका सेट स्टैंड बाई मोड में है, आप उसको ऑन करते हैं और ऑन होता है फिर वापस जो है वो सम टाइम ऑन होता है, इंडिकेटर उसका रेड की बजाय उसका वो रेड की बजाय ब्लू होता है या फिर ग्रीन होता है, फिर दोबारा स्टैंड बाई मोड में चलाता है। तो वो भी जो फॉल्ट होता है वो अमूमन यही जो छोटे कैपेसिटर सप्लाई में लगे होते हैं उनका फॉल्ट होता है, ठीक है।